बड़ी खबर क्या है आपको बताएं, आज रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचेंगे पीएम के मुख्य सचिव पीके मिश्रा, जो लगातार टेलीफोनिक वे पे नजर तो बनाए हुए थे, लेकिन अब वो खुद ग्राउंड पर होंगे। ग्राउंड पर क्या क्या चीजें चल रही हैं वो खुद समझेंगे। इसके लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत का, और दीपक से जानकारी लेते हैं कि दीपक, जिस तरीके से आप लोग पल पल इस ऑपरेशन को देख रहे हैं और हम लोग दूर से स्टूडियो से आपसे सवाल कर रहे हैं, कुछ ऐसी ही कंडीशन रही होगी पीएम के सचिव की कि वो दूर से तो जान रहे हैं, लेकिन जब वो आपके साथ आपके बगल में आके देखेंगे तो कितना डिफरेंस है, क्या क्या चीजें हैं जिस वजह से वहां उन्हें आना पड़ रहा है? अजय, देखिए पीएमओ की एक टीम तो बहुत पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, लगातार जायजा लेती है, निरीक्षण करती है कैसा काम होगा कैसे नहीं होगा। आप प्रमुख सचिव आ रहे हैं तो कुछ और तरीके से उनको बताया जाएगा कि अब तक की स्थिति क्या है, और जहाँ तक उम्मीद की बात है तो हम लोग भी इस उम्मीद के साथ रोज यहाँ पर आते हैं कि शायद आज ये 41 लोग बाहर आ जाएं, लेकिन उसमें समय लग रहा है और समय कितना लगेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तस्वीर आपको सुबह की दिखा देते हैं, 16वां दिन है, सामने टनल है, टनल के भीतर आप देख सकते हैं अभी भी काम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से अंकित भी बता रहे थे कि ऑगर मशीन का जो फंसा हुआ था वो काट कर पूरी तरह से निकाल लिया गया है, लेकिन उसके अंदर एक खबर ये आ रही है कि जो पाइप हमने डाला हुआ था वो आगे की तरफ बेंड हो गया है, यानी कि अब हमें पाइप का कुछ आगे का हिस्सा काटना पड़ेगा। ये अब आज की खराब खबर है, क्योंकि वहां से अब उस पाइप को हम काटेंगे तो हम थोड़ा और पीछे आ जाएंगे, यानी कि जो 10 मीटर का फासला था उसे करीबन 11 या 12 मीटर में तब्दील करना पड़ेगा। और मैनुअल जो ड्रिलिंग की बात की जा रही है उसके लिए भी ये कहा जा रहा है कि जो 20 लोगों की टीम स्पेशली यहाँ पर बुलाई गई है वो मैनुअल ड्रिलिंग जब करेगी तो 1 घंटे में करीबन 1 मीटर के आसपास ड्रिलिंग कर पाएगी, तो इसमें करीबन 10-12 घंटे का वक्त लग सकता है, और भी ज्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि हर्डल लगातार आ रहे हैं, बीच में कोई बड़ा ढांचा अगर आ गया उसको काटने में और समय लगेगा। बिल्कुल, तो इसमें काफी ज्यादा वक्त से हम ही लगातार दर्शकों को भी बताते चल रहे हैं कि आखिरी कुछ घंटे, और वहां से जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वो इसी तरफ इंडिकेट करती है, लेकिन आखिरी प्रार्थना स्वीकार कब होगी ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस मुश्किल वक्त में इस तरीके से लगातार डटे रहने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।